नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी से। खबर धर्मापुर गौशाले की है। चर्चा कर रहे आपस में क्षेत्रवासी, बीते दिनों धर्मापुर गौशाले के पास मृत पाई गई दर्जनों गायों का आखिर हत्यारा कौन? प्रधान राजकुमार व सचिव राजेश कुमार ने पैसा कमाने के चलते गायों को भूख व खुले आसमान में रखकर गायों को ढकेला मौत के मुँह में। तो कई दिनों से बीमार होकर लगातार मर रही गायों को छोड़ दिया गया। उनके हालातों पर इतनी बड़ी संख्या में मृत पाई गई गायों की संख्या सोशल मीडिया पर चलते ही जहां उच्च अधिकारियों की सांसें फूलती दिख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ निघासन ब्लॉक के अपने घर का चूल्हा जलाने वाले कुछ कथित लोग उसमें अपना हिस्सा लेने के लिए लगातार आपस में बात कर रहे हैं। तो आप लगातार बने रहिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से गौशाले में घोटाला किया जाता है और लगातार एक नहीं एक साथ 10-10 15-15 गायें लगातार मर रही हैं। तो आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि निघासन से इस समय की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गौशाले की गायों को उठाकर और JCB की मदद से कुछ लोगों के द्वारा ही उनको खेत में गड्ढे खुदवा के गड़वाए गए। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि JCB के द्वारा किस तरह से गड्ढे खोदे जाते हैं और इन जानवरों को खुले में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबरें दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। आज दिनांक 19 दिसंबर 2023 का धर्मापुर पंचायत गौशाले का वीडियो है ये, जिसका लाइव दिखाया जा रहा है। आज दिनांक 19 दिसंबर 2023 धर्मापुर पंचायत का ये वीडियो है गौशाले का। आज दिनांक 19 दिसंबर 2023 का ये वीडियो है, जो लाइव देख सकते हैं आप लोग गौशाले में किस हिसाब से गायों की हत्या की जाती है और किस हिसाब से ला करके उल्टा सीधा डाला जा रहा है।